नमस्कार इंडिया फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए दो बम धमाकों में 21 लोगों की जान चली गई और 30 लोग जख्मी हो गए। इनमें से ज्यादातर मीडिया और एनडीएस के स्टाफ के लोग हैं। सभी 21 मृतकों के शवों को वजीर अकबर खान अस्पताल ले जाया गया है। बताया जाता है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पहला धमाका शशदरक इलाके में एनडीएस इंटेलिजेंस सर्विस ऑफिस के पास हुआ। दूसरा धमाका घटनास्थल पर मौजूद पत्रकारों पर हुआ। बताया जाता है कि मारे गए लोगों में ज्यादातर मीडिया कर्मी और एनडीएस के कर्मचारी हैं। खबर है कि देश के खुफिया एजेंसी के करीब एक मोटरसाइकिल सवार आत्मघाती हमलावर ने खुद अपने आप को उड़ा लिया। एएफपी के अनुसार घटनास्थल पर मौजूद रिपोर्टरों पर हमला करते हुए दूसरा विस्फोट किया गया, जिसमें एजेंसी का एक फोटोग्राफर हताहत हुआ है। काबुल पुलिस ने एएफपी को बताया कि इस विस्फोट में एक पत्रकार समेत 21 लोगों की जान गई है और कई जख्मी हैं। पुलिस के मुताबिक मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। एक हफ्ते पहले ही शहर के पश्चिम में वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर में विस्फोट हुआ था, जिसमें 60 लोगों की जान गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज़।